आने वाले जुमा को ऐशा की नमाज के फ़ौर बाद हाफिज खलील अहमद मिली जमात खाने अब्दुल्ला नगर में शहर के सरकरदा हजरात की और मुख्तलिफ तंजीमों जमातों और इदारों की मीटिंग रखी गई है सैदिन तो। मोहम्मद वाला आलि वसबी अजमाइन अम्मा बसलमान होने की हैसियत से हमारी ये बुनियादी ज़िम्मेदारी है कि हम हर बुराई को मिटाने के लिए और भलाई को परवान चढ़ाने के लिए आगे आए हमें हमेशा इस बात को याद रखना चाहिए कि जिस माशरे में सब कुछ चलता है वो मुशर कभी नहीं चला करता है। की बुनियाद अखलाक़ी इकदार पर दिन ईमान पर भले कामों पर कायम हो तो माशरा आगे बढ़ता है परवान चढ़ता है और वहाँ अच्छे इंसानों की कसरत होती है लेकिन अगर किसी माशरे में गुनाह और बुराई आम हो जाए बुरी आदतें आम हो जाएं तो फिर वो माशरा आगे नहीं बढ़ सकता हमें अपने शहर के इस्लामी माशरे को अच्छा बनाने के लिए बुरी आदतों को मिटाने के लिए आगे आने की ज़रूरत है हमारी नौजवान नस्ल बहुत तेज़ी से ऐसे कामों की तरफ बढ़ रही है जिसके नतज अच्छे जाहिर नहीं होंगे बढ़ते हुए कत्ल के वाकयात, खुदकुशी की वारदात नशे की लत लड़कों लड़कियों के नाजायज ताल्लुकात और कहीं कहीं से मिलने वाली इरतदाद की खबरें हम सब के लिए तश्वीश बेचैनी और परेशानी का बाइस है हम अगर अपने शहर की दीनी शनाख्त को उसकी दीनी पहचान को उसके इम्तियाज़ को बाकी रखना चाहते हैं और अल्लाह की बारगाह में सुरख्रू होना चाहते हैं तो हमें मिलजुल कर बुराइयों के खिलाफ आवाज़ उठानी होगी और यकजुट होकर मसलक को मशरब के फ़र्क से बाल तर होकर अपने मुशरे और समाज की भलाई के लिए बुनियादी कदम उठाने होंगे जो वाकयात पेश आ रहे हैं चाहे वो कत्ल के हों या खुदकुशी के मेरा ये एहसास है कि जब तक हम उसकी तह में नहीं उतरेंगे जो इसबाब खुदकुशी के पीछे हैं कत्ल के पीछे हैं जब तक हम उनको जानेंगे नहीं और उनके दूर करने की कोशिश नहीं करेंगे मैं ये समझता हूँ कि ये वाक़ात सिर्फ़ तकरीर और तहरीर से नहीं रुक सकेंगे इसलिए ये कोशिश की जा रही है कि शहर के लोग ख़ास तरीके पर उलमा, परमा समाजी मुआशरे पर असरानंदाज होने वाले लोग मुख्तलिफ़ कलमों और तंजीमों के अफराद एक जगह मिलकर बैठें आपस में बातचीत करें और फिक्रमंदी के साथ कोई ठोस कदम उठाएं। हमेशा याद रखिए कि जब गुनाह के दलदल बढ़ जाते हैं तो उन्हें रेत की चंदबोरीों से नहीं पाटा जा सकता हमें उसके लिए मुसलसल मुनज़म, मेहनत और ज़द्दोजहद करनी होगी और मिलजुल कर आगे बढ़ना होगा ताकि हम एक तसलसल के साथ एक तंज़ीम के साथ एक अच्छे इरादे के साथ ठोस इकदाम के साथ ऐसी कार्रवाई करें जिसका नतीजा अच्छे समाज अच्छे माशरे की शक्ल में जाहिर हो एक मोटी सी बात आप से करूं कि पिछले दिनों जो खुदकुशी के वाकयात हुए हैं एक मकाम के बारे में ये मालूम हुआ कि जवान नमाजी पंज नमाज पढ़ने वाला बज़ाहिर दीनदार लेकिन घर के हालात से मजबूर होकर तंगी के हाथों परेशान होकर उसने ये कदम उठाया हमारा शहर जो मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में अपने यहाँ से ताउन का मिजाज रखता है जहाँ का पैसा न जाने कहाँ कहाँ मसाजिद मदारिस और रफाही कामों में लग रहा है अगर हमारे शहर में ये सूरत हाल हो रही है कि लोग तंगी से भूख से फाक़े से हालात से मजबूर होकर ख़ुदकुशी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमें अपने गिरबान में झाँकने की ज़रूरत है और इस बात की भी ज़रूरत है कि हम कोई ऐसा निज़ाम बनाएं कि किसी को भूख के हाथों इंतहाई कदम उठाने पर मजबूर न होना पड़े किसी बेवा का चूल्हा बुझ रहा है हम जलाएं किसी यतीम के किफालत का मसला है हम आगे आएं किसी के घर पर कोई ऐसी तश्वीशनाक सूरत हाल है जो फ़ौरी इलाज यह हल चाहती है हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम आगे बढ़ें हमारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें उम्म खिदमत बनाया है हमें ये ज़ौक़ और जज्बा दिया गया कि हम अल्लाह की राह में बढ़ें और अल्लाह के बंदों और बंदियों के भी काम आए इसलिए मैं तमाम आईमा से सरकरदा हजरात से नौजवानों से कलमों तंजीमों और इदारों के लोगों से गुज़ारिश करता हूँ कि ये वक्त ऐसा है कि हम सब को मुत कोशिश करनी होगी इसी सिलसिले में आने वाले जुमा को ईशा की नमाज़ के फ़ौर बाद हाफिज़ खलील अहमद मिल्ली जमात ख़ाने अब्दुल्ला नगर में शहर के सरकर्दा हज़रा की और मुख्तलिफ तंजीमों जमातों और इदारों की मीटिंग रखी गई है और उसमें इन शाला आपस में मशवरा करके कोई एक लाहल तय किया जाएगा और इस बात की कोशिश होगी कि बाद जलसों तक तकरीरों तक तहरीरों तक महदूद न रहे बल्कि हम कुछ ऐसे इकदाम कर सकें जिनका फ़ायदा आज भी हो आने वाले कल भी हो और हमारी नस्लें नशे से कत्ल से ख़ुदकुशी से नाजायज़ त्लक़ात से बुरी बातों से और अख़लाकी गिरावट से महफूज रहे मैं आप सबके ज़मीर को आवाज़ देना चाहता हूँ कि ये वक्त ऐसा है कि जिसमें हमें अपनी दीनी अखलाकी ज़िम्मेदारी को महसूस करना चाहिए और जो इकदाम हों जिस सतह पर भी हों हमें उनका एक हिस्सा बनना चाहिए ताकि अल्लाह के हम सुरखरू हो सकें मुझे उम्मीद है कि ये ये आवाज़ जो लगाई जा रही है इन ताकतवर आवाज़ बनेगी लोगों का साथ हासिल होगा और हम अपने शहर को फिर एक अच्छी सिमत में ले जा सकेंगे वसलम आलकमल वर्क